दिल्ली में हुए शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। और सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार करने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, मतलब वो 4 चरणों के लिए खुलकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में 2 जून को वापस सरेंडर करने को कहा गया है। दरअसल पिछले 40 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान लंच से पहले तक कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की तमाम शर्तें तय कर ली थीं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करेंगे और ना ही सरकार के कामकाज में दखल देंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल ने कोर्ट की सभी शर्तें मान भी ली थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। हालांकि ये सारी बातें होने के बाद भी 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी और केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह गई थी। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने तब कहा था कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। इसके बाद से ही केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की खबरें तूल पकड़ने लगी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 4 बड़े कमेंट्स भी किए थे जो इस तरह हैं। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। और चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 1 दिन पहले भी ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी भी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं दी गई है। प्रचार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ईडी के हलफनामे को कानून की अवमानना बताया गया है। खासकर ये देखते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होना है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना हलफनामा पेश किया गया है। आपको बता दें, शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ईडी ने उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें फिर से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था और तब से अब तक वो जेल में ही थे। लेकिन अब केजरीवाल को 1 तारीख तक अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ने भी राहत की सांस तो जरूर ली होगी। वहीं बीजेपी के लिए अब थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि अब भी देश में 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं और कोर्ट ने केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इसका मतलब साफ है, केजरीवाल बाहर आएंगे तो माहौल जरूर गरमाएंगे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।